Hello, students, welcome back to my channel. Today, we are going to do a new chapter that is our lesson number 9 Brave Dogs, and um, this is the book of the class 5. Okay, let's begin this lesson. Read this real life incident where a pack of dogs helped save the lives of. मैं नहीं हम ये रियल लाइफ का इंसिडेंट बेस्ड स्टोरी पढ़ते हैं ठीक है जिसमें बहुत सारे डॉग्स होते हैं ग्रुप ऑफ डॉग्स होते हैं वो हेल्प करते हैं बहुत पीपल के कैसे इट वॉज बिटरली कॉल्ड जनवरी इन नॉम अलास्का ठीक है ये यू में अलास्का में नॉम एक प्लेस है ठीक है एक सिटी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनवरी में बहुत ज़्यादा थर्ंड थी द ईयर वॉज नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ठीक है टाइम ईयर कौन था नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव का सम चिल्ड्रन इन द टाउन फेल इल एंड died. कुछ बच्चे वहाँ पे टाउन में बीमार हो गए और मर गए द डॉक्टर करट इस वेल्श रियलाइज दैट द मैनज वॉज डाइपथेरिया अ डिजीज डैट कैन इफेक्ट क्विकली एंड स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनीदर वेरी फास्ट ठीक है जो डॉक्टर वहाँ पर करट इस वेल्स थे वो रियलाइज़ करते हैं कि ये मैनस एक डिजीज़ होता है ठीक है मतलब क्या डिजीज कौन सा है जो डाइपथेरिया है वो मतलब कि क्विकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जल्दी फैल जाता है एट द टाइम यूनिट्स एंड एसक्यूमोज ये ट्राइब्स होती हैं ठीक है ठीके? जो मतलब कि अलास्का में हैं डी नॉट हैव द एबिलिटी टू तो फाइट दिस डेडली डिजीज उनके पास इस टाइप की एबिलिटी नहीं होती कि वो फाइट करें डिजीज से द डॉक्टर सेंड अ मैसेज आउट आस्किंग फॉर मेडिसिन और जो वहाँ के डॉक्टर थे उन्होंने मैसेज भेजा कि भाई मेडिसिन होनी चाहिए ठीक है मंगवाएंगे द नियरेस्ट लोकेशन फ्रॉम वेयर दिस मेडिसिन कुड बी सेंट ए वॉज एन कॉरेस विच वॉज नियरली टू थाउजेंड किलोमीटर्स अवे बाय रोड बट एरोप्लेन्स डि नाट फ्लाई फ्राम देयर इन विच Winter. और जहां से मेडिसिन मंगवानी थी वो नियरेस्ट लोकेशन थी और वहां पर ही medicine, जैसे जा सकती थी, वो कौन सी मतलब कि सीज था जो किलोमीटर प्लेस था रोड से ठीक है एरोप्लेन वहां पे विंटर के टाइम में चलते नहीं है द गवर्नर ऑफ अलास्का डिसाइडेड होना अल्टरनेट रूट अब जो गवर्नर था अलास्का का उसने डिसाइड किया कि एक अल्टरनेट रूट है जो मतलब कि सेफर होगा नाइन किलोग्राम्स ऑफ मेडिसिन वर सेंट बाय ट्रेन टू प्लेस कार्ड नियाना ठीक है नाइन किलोग्राम मेडिसिन तीन जो ट्रेन से नियाना तक तो भेज दी ठीक है लेकिन बेसिकली नॉम में जानी है ना वो नियाना तक भेज दी नोम से थाउजेंड किलोमीटर अवे फ्रॉम नियाना अब नोम से नियाना तक आ गई नियाना से अब भी नॉम थाउजेंड किलोमीटर टोटल कितना है वो टू थाउजेंड है ना इट वॉट डिसाइडेड द मेडिसिन वुड देन बी ट्रांसपोर्टेड टू नोम बाय टीम्स ऑफ अलास्का डोग लेट बाय डियर और वहाँ से डिसाइड किया गया कि उस वो जो अलास्का की जो टीम है वो नोम तक मतलब नोम से कैसे भेजेगी वो डॉग्स की हेल्प से भेजेगी ठीक है बाय दर मशर्स मशर्स क्या होते हैं जो डॉग के जो ड्राइवर्स होते हैं सजेस्ट करते हैं ठीक है दे डिन नॉट वॉन्ट टू लाई ऑन मशीन्स वो मशीन्स के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते थे गिवन द अर्जेंसी एंड टेरिबल वेदर कि क्योंकि इतनी एमरजेंसी थी और टेरिबल वेदर भी था इट वॉज गोइंग टू बी सिमिलर टू रू रेस रिले रेस और मतलब उन्होंने क्या किया कि एक, एक रेस करते हैं जहाँ पे वन बैच ऑफ डॉग वुड रन फॉर हंड्रेड माइल्स कि हंड्रेड मील तक एक बैच भागेगा और फिर उसके बाद वो मेडिसिन को हैंड ओवर कर देंगे नेक्स्ट ग्रुप को ठीक है इस तरीके से चलता रहेगा द जर्नी वॉज मेड बाय ट्वेंटी मशर्स और जर्नी कैसे होगी क्योंकि जर्नी छोटी मोटी थोड़ी है वन थाउजेंड किलोमीटर्स की है तो ट्वेंटी मशर्स में चाहिए थे अराउंड वन फिफ्टी डॉग्स द फर्स्ट मशर्स टू कलेक्ट द मेडिसिन फ्रॉम नियाना ऑन ट्वेंटी सेवन जनवरी वॉज शनन और नियाना से जब वो चले वो ठीक है नॉम नियाना से जब वो चले मेडिसिन लेके तो वो ट्वेंटी सेवन जनवरी था और वो कौन से थे वो जो मशर्स थे बिल चन लेट इस डॉग उनके डॉग था ब्लैक द मेडिसिन देन पास हैंड्स थ्रू आइस एंड स्नो हाइपथरमिया एंड फोर्सबाइट एंड अदर इंजरीज टिल इट्स रिच हेनरी एवेन ऑफ ठीक है अब जो मेडिसिन थी वो पास की गई है आइस और स्नो से थ्रू होते हुए ये कौन जो पर्सन होते हैं डेंजरस कंडीशन होती है जिसमें लोग बिल्कुल ही मतलब कि पर्सन की जो बॉडी टेम्परेचर फास्ट हो जाता है कम हो जाता है एक्सट्रीमली वेदर की वजह से और ये देखो तो फ्रोसबैट का मतलब इधर का एक ऐसी कंडीशन जिसमें स्किन बिल्कुल फ्रीज हो जाती है बिल्कुल एंड अदर इंजरीज टलीटरीज और फिर ये जो इंजरीज है यहाँ तक कहाँ तक पहुंच गई हैरी इवान तक हाउवर इवन ऑफ टू रेन इन टू ट्रैवल जबकि इवन ऑफ थे वो भी ट्रैवल में फंस जाते हैं उनकी जो टीम होती है वो रेंडियर्स में फंस जाती है ठीक है जो हिरन में कुछ फंस जाते हैं टैंगल हो जाते, जाते हैं जैसे ये देखो ना ये मशर्स होते हैं ये मतलब कि उनकी डॉग्स हैं जैसे उनकी स्लैजेस होती है इस टाइप की ठीक है जैसे पिक्चर में है। जिस दिन लियोनार्ड सेपला केम इन फ्रॉम द नॉर्थ फिर इसी तरीके से जो लियोनार्ड सेप्ला होता है वो नॉर्थ आते हैं और वो फास्टेस्ट मशर्स होते हैं बहुत ज्यादा तेज होते हैं नॉन फॉर कवरिंग द टफेस्ट बल्कि उस एरिया को कवर करने में बड़े फेमस होते हैं वो, किसको एंड कर देते हैं अब नॉर्थ की तरफ जाते हैं फाइटिंग ए रेजिंग ब्लीजर्ड ब्लीजर्ड क्या होता है जिसमें बहुत ज्यादा तेज हवाई चलती है उनका जो लीड डॉग होता है मेन डॉग होता है वो कौन सा टोगो बिगेस्ट चैलेंज बिफोर इवेंट ऑफ एंड टोगो वर्स टू क्रोस फ्रोजन सी और उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता तो है उनको एक बहुत बड़ा फ्रोजन बर्फ वाला सी क्रॉस करना होता है द आइस और फिर वो कहता है आइस मतलब क्रैक्स होना शुरू हो जाते हैं द एंटायर टी वर्स टक ऑन द आइस फ्लो और जो बड़े बड़े जब मतलब कि जैसे बर्फ के टुकड़े होते हैं जब सी पे फ्लॉट करना हैं जाते हैं तो उसको बोलते हैं उसमें फंस जाते हैं लेकिन टोगो डिसाइडेड टू जम्पर करोसा फ्रीजिंग वाटर लेकिन टोगो डिसाइड कर लेता है कि उनको जंप करना हारनेश ब्रोकर्स टोगो जम्पेड टू द वाटर और जो मतलब की जो बड़े बड़े हार्ड होते हैं वो टूट जाते हैं जो आइस होते हैं और टोगो जम्प करता है

गनारकेसन अब वो दूसरी टीम को देते थे दिस टीम वाज गोइंग टू बी लेड बाय बाल्टो और इनका जो मेन हेड होता है वो कौन था डॉग में बाल्टो होता है ठीक है उनका क्या था टोगो था अब बाल्टो वाज वैसा थ्री ओल्ड डॉग बाल्टो भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था थ्री इयर्स का ही डॉग था हु एड नेवर लीड अ टीम बिफोर जो कभी भी लेड नहीं की थी उसने लीड नहीं की थी टीम को पहले इनफैक्ट ही हैड ओनली वन वर्क टू ट्रांसपोर्ट सप्लाईज टू माइनर्स और सिर्फ उसने वर्क किया क्या था सिर्फ माइनर्स को सप्लाई करने का काम किया था वाज कंसीडर टू अ स्क्रब डॉग स्क्रब डॉग का मतलब कि स्लो वर्किंग डॉग मतलब कि जिसको स्लो डॉग बोल जाते हैं ठीक है थीके? वो बन जाता है ए ब्लाइंडिंग ब्लीजर बिगेन एंड ड्रॉपिंग टेम्परेचर टू माइनस फिफ्टी डिग्री सेल्सियस विंड गर्स एट ओवर और जो ब्लाइंडिंग मतलब तेज हवाएं जो चल रही जिसमें टेम्परेचर भी बहुत कम हो गया वो कितना हो गया माइनस फिफ्टी डिग्री सेल्सियस का हो गया ठीक है और यहाँ पे बिल्लीजार्ट का मीनिंग भी है, सेवन मतलब कि जो ज़्यादा स्नो सरोम होते हैं उसको बोलते हैं फिफ्टी माइल्स एन आर एंड मतलब कि वो फिफ्टी माइल्स हो जाते हैं है, मतलब कि एक आर्स में वो फिफ्टी माइल्स आर तक चलता है हवाई चलती है एंड गुनार केसन फाउंड हिमसेल्फ अनेबल टू नेविगेट और जो उनका मतलब कि जो वो होते हैं ना जो हेड मतलब कि हेड होता है पर्सन होता है जैसे ये तो वो मतलब कि वो अपने आप ने को अनेबल करते हैं नेविगेट रास्ता ढूंढ नहीं पाते ऑलमोस्ट मतलब कि गिव अप कर देते हैं होप नहीं होती उनको कि वो उनको नॉम में कोई प्लेस मिल जाएगा टाइम पे जा पाएंगे बट बाल्टो न्यू द ट्रेल वे वेल लेकिन जो बाल्टो को जो मतलब कि रूट था वो अच्छे से पता था एंड फॉलोइंग द स्निक्स स्निक्स के होते हैं जो अपनी इनर जो हमारे पावर होते हैं ना जब हम ये कहते हैं कि हो जो वो काम होगा तो उसकी पॉजिटिविटी उसको लीड करती है उस टीम को थ्रू द कोल्ड एंड स्नो से ओवर द नेक्स्ट ट्वेंटी आवर्स और अगले ट्वेंटी आवर्स में फाइनली फिफ्टी थ्री माइल्स मतलब कि बाल्टो लेडीज टीम फिफ्टी थ्री माइल्स तक वो पहुंच जाते हैं ठीक है डॉग धीरे धीरे ऑन सेकंड फेबरी फाइव थर्टी ए एम में उनकी जो टीम है फाइनल इन में पहुंच जाती है डॉग व टू टायर टू इवन बार और डॉग इतने थक जाते हैं कि वो इवन बार्क भी नहीं कर पाते हैं बट द सीरम हैड सक्सेसफुली बिन डिलीवर्ड लेकिन जो मेडिसिन थी वो डिलीवर की जाती है ओनली सेवन डेज आफ्टर लिविंग अनरकाज ठीक है और कितने दिन लगते हैं उनको सिर्फ सात दिन लगते हैं जो वन प्लेस चले थे जस्ट अ लिटल मोर देन वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन आवर्स आफ्टर लिविंग द नियाना और नियाना को छोड़े उनको कितने हो गए थे ट्वेंटी सेवन आवर्स हो गए थे ठीक है वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन आवर्स द प्रेस हैड बिन फॉलोइंग द स्टोरी ऑफ द डे और ये कोई छोटी मोटी घटना थी थी ये बड़ी मैंने कि इंसिडेंट था जो प्रेस ने मतलब कि स्टोरी को छापा प्रिंट किया और नेम किया ग्रेट रेस ऑफ मर्सी के नाम से बाल्टो एंड द टीम रिसेंटली बिकेम फेमस और बाल्टो उसकी टीम है जैसे बाल्टो है बाल्टो है ये उसकी टीम है जो पूरी फेमस है ठीक है फिर उसमें वो बाल्टो अपेड ऑन द फ्रंट कवर ऑफ न्यूज पेपर में आया पूरे वर्ल्ड में शॉर्टली आफ्टर वर्ड अपियड ऑन मेरे कि उसके बाद धीरे धीरे वो शॉर्ट हॉलीवुड फिल्म भी एक बनी जिसका नाम है बाल्टो रेस टू नो फिर केज़न टू बाल्टो फिर जो केसन है कोई फेमस पर्सन है वो बाल्टो को ले गया एंड टीम और ने नेशन वाइड टूर उसको टूर कराया नेशनल गार्ड और टूर कंक्लूडेड विद अ लाइफ साइज स्टैचू ऑफ बाल्टो बिंग अनवील और अनवील के अंदर तो डिस्प्ले किया गया फर्स्ट टाइम लेकिन जो उसका स्टैचू भी रिवील किया गया न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क में सेवनटीन दिसंबर नाइनटीन में एंड बाल्टो गुड फॉर्च्यून वॉज शॉर्ट लिव्ड लेकिन जो गा जो बाल्टो का अच्छा फॉर्चून क्या था वो मतलब कि थोड़े टाइम तक रहा था लेकिन ये वो सोल्ड ए कंपनी विच कैप्टी में मजरे मतलब कि जो एक कंपनी को उसको सेल किया गया जिसको लेकिन उसने मतलब बैड कंडीशन में रखा यूजिंग फॉर डोग शो अराउंड द कंट्री मतलब कि डोग शोज क्या करते थे जैसे पूरे अराउंड कंट्री में लेटर ऑन समन डिस्कवर्ड हज पिलाइट लेकिन किसी को उसकी मतलब की बैड कंडीशन का पता लगा रेस्क्यू हीम उसको बचाया एंड हिस मेट्स एंड उसके मतलब कि साथी भी थे दट द टीम वॉज देन सेंड टू द्लेमेंट जो और जो टीम को फिर वहाँ पे गया कलेवेंड एक जू है वहाँ पे बाल्टो वाज़ ए स्टार अट्रैक्शन बाल्टो एक फेमस अट्रैक्शन थी ठीक है देखो पिक्चर में बाल्टो की पिक्चर गिवन है तो बाल्टो एक स्टार अट्रैक्शन थी क्लेवेंडर जू में एंड फॉर सिक्स ईयर एंडिल दि डाइट मतलब सिक्स ईयर तक नाइनटीन हंड्रेड थर्टी थ्री में डाइड हो जाता है और उसके डेथ के बाद बाल्टो बॉडी वॉज पुट ऑन डिस्प्ले और जो बाल्टो की जो बॉडी थी वो डिस्प्ले होती है क्लेवेंड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जहाँ पे वेरिट रिमेन्स टू द डे और जहां पर उसको आज भी हम उसको देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो थी। ठीक है तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द ब्रेक डोग्स की मतलब कि डोग्स भी मतलब की है मतलब की एक ह्यूमन बींग की कितनी मुश्किलों से मतलब की जैसे वो उनके मशर्स होते हैं वो हेल्थ करने में मतलब कि वो जाते हैं होप छोड़ देते हैं लेकिन डॉग है वो हेल्प मतलब उनको पता था कि भाई वो कर सकते हैं उनकी जो इंस्टिंग है वो इतनी पॉजिटिव थी ठीक है तो वी शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम आवर फ्रॉम एनिमल ऑल्सो ठीक है ओके आपने स्टोरी को इंजॉय किया होगा कि स्टोरी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में राइट करना ना भूला करो आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो शेयर करते हो इसका बहुत दिल से धन्यवाद ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय